अच्छा जी, सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखें कि हमने प्रिपेयर करना है नॉवल को, ठीक है। और नॉवल में जो हमारे पास एक बुक लिस्ट है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में जो पेपर्स इंक्लूडेड है वो ये बुक्स जो है वो नॉवल वन में इंक्लूडेड जो है वो ये है। नॉवल वन है ट्रोलोक बाय जस्टिस टॉवर्स, ये हम नहीं करेंगे। जेन ऑस्टन करेंगे। जेन ऑस्टन में से मोस्टली टू क्वेश्चन आते हैं, बल्कि टू एंड अ हाफ क्वेश्चन, ढाई क्वेश्चन जो है ना वो आपका जेन ऑस्टन कवर करता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले जेन ऑस्टन करवा रही हूँ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और ये आपका पेपर जो है ना 75% कवर कर जाता है, यानी कि आपके पेपर में जो है 250 मार्क्स के क्वेश्चन जेन ऑस्टन से आते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडाइस से आते हैं, और उसके बाद जो है ना आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लास्ट क्वेश्चन होता है, आखिरी क्वेश्चन होता है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, उसमें एनी फोर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एनी फोर नोट्स होते हैं, आपने एनी टू के ऊपर लिखना होता है। और मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ वो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है और आप लोगों ने वो मस्ट करना होता है। उसके बाद एडम बीड है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इसमें से डेढ़ सवाल आता है, डेढ़ सवाल कैसे आता है वो भी मैं आपको अभी पास्ट पेपर दिखा के फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद है चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये तीन बेटा नॉवल जो है ना ये आपके पांच सवाल कवर कर जाएंगे, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये आपके पांच सवाल आराम से कवर कर जाएंगे। और एक है हार्डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। अब आप सारे लेट कमर्स हैं इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी में जस्ट तीन नॉवल्स करवाऊंगी, क्योंकि ताकि आप लोगों का पेपर जो है, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए एक एक वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और लेट कमर्स का रोज एक ही सवाल होता है, मैम हमारा पेपर सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडाइस है बेटा, ये आज हम जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जरा पास पेपर दिखा दूं इसका कि आपका पास पेपर जो इसका पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। दैट इज नॉट बिल्कुल अगर हम कहेंगे जी वो आपका अमेरिकन लिटरेचर जैसा, बिकॉज अभी अभी रिसेंटली अमेरिकन लिटरेचर आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, ये अमेरिकन लिटरेचर जैसा पेपर नहीं आना आपका। यहाँ पे देखें क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी ऊपर नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें नंबर वन प्राइड एंड प्रेजुडाइस, टेल ऑफ द टू सिटीज, देन एडम बीड, ठीक है, ये देखें ये तीन सवाल तो आपके इधर से हो गए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, ये पेपर टू में आप करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें पेपर टू में ये देखें फिर प्राइड एंड प्रेजुडाइस में से सवाल आया। मैंने आपको अभी बताया था कि आप लोगों का 50 प्लस 12.5 मार्क्स क्यों करिए, ये आखिरी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, राइट क्रिटिकल नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये है असल में आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है, राइट क्रिटिकल नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि पहला क्वेश्चन रिटर्न ऑफ द नेटिव, दूसरा एडम बीड, और तीसरा बार्चेस्टर्स टॉवर्स, और चौथा टेल ऑफ द टू सिटीज। टोटल नॉवल्स आपके पांच हैं, ठीक है। और ये जो राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग जो आता है ना, कोई से चार नॉवल्स में से वो आपको नोट लिखने को देते हैं जो कि 12.5 मार्क्स का होता है, ठीक। अब मैं क्यों कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चन आपने मस्ट करके आना, राइट क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग, उसकी रीजन ये है, देखें बेटा जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना उसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स पता है कितने आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, 10 आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, 11 आ जाते हैं, बहुत अच्छा किसी ने लिखा हो तो फिर 15-16 जाके आते हैं, ठीक है, फिर बहुत अच्छा, यानी कि जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा ना उसके 14-15 नंबर लगे हुए होते हैं, क्योंकि 25 नंबर का सवाल होता है। लेकिन अगर आप 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें एग्जामिनर आपके कितने नंबर काट लेगा, फॉर एग्जाम्पल वो आपको 12.5 मार्क्स से मिनिमम मार्क्स अगर 6 भी देता है ना तो आपके दो सवालों के 12 नंबर बनते हैं, यानी कि अगर आप ये टू नोट्स करेंगे तो आपके 12 नंबर बनेंगे। आपको पेपर दिखाने का मकसद ये था कि हमने इस पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है, और अगर इस पेपर के हिसाब से मैं अगर आपको ये कहूँ कि जी
टोटल कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर हम ये तीन बुक्स कर लें तो. अभी देख लें, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा, ये मेल सूटर्स प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो कि मैंने अभी आपको करवाना है, जिसमें से दो सवाल मस्ट आते हैं, 90% चांसेस होते हैं. ठीक है, दो ये हो गए और तीन मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखें, एक दो और तीन, एडम बी. ठीक है, ये बेटा आपके टोटल पांच सवाल बनते हैं, आप उन्हें चार अटेम्प्ट करने होंगे. तो दैट्स व्हाई हमने फोर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इसलिए मैं आपको तीन बुक्स करवा रही हूँ, ताकि मेरे से बाद में स्टूडेंट्स ये ना कहें मैम हमने चौथी किताब नहीं करनी, फोर्थ बुक नहीं करनी. वैसे मैं स्टूडेंट्स को फोर ही करवाती थी, करवाती रही हूँ. आपके बैच को मैं थ्री इसलिए करवा रही हूँ कि बेटा आप लोगों के पास इस वक्त टाइम बहुत कम है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं नहीं चाहती आप थोड़ी बुक्स करें, उसको क्वालिटी बढ़ें, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ठीक, अब यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो बेटा वो आप मेरे से पूछ सकते हो.